किसी राजपूत समाज के व्यक्ति के ट्रक 4,000 का थोड़ी आ रहा है, उसको भी 40,000 देने पड़ेंगे। इस तरह बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो खेत की रखवाली कौन करेगा? टोल पे जाओगे तो राजपूत का भी टोल लगेगा, ब्राह्मण का लगेगा, जाट का लगेगा। मैं कोई बात पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। बजरी माफिया नाम की नई चिड़िया इस राजस्थान में दोबारा पैदा नहीं होगी, और जिसके पीछे पड़ जाता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ। ये शुरू से आदत रही, ये मेरी लड़ाई नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पे ये बात कह रहे हैं कि हनुमान जी हमारे भामाशाह को ये कह रहे हैं, अरे भैया किसी राजपूत समाज के व्यक्ति के ट्रक 4,000 का थोड़ी आ रहा है, उसको भी 40,000 देने पड़ेंगे। किसी ब्राह्मण के भी 4,000 का नहीं आएगा, 40,000 का आएगा। टोल पे जाओगे तो राजपूत का भी टोल लगेगा, ब्राह्मण का लगेगा, जाट का लगेगा, गुजर का भी टोल लगेगा, मेघवाल का भी टोल लगेगा। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा नए राजस्थान के निर्माण की बात करी है, और मैंने लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी। लड़ी थी लड़ाई मेरे से पहले कई नेताओं ने, बड़े बड़े भाषण दिए थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कर दिया क्या? नौका तेरा वहीं पड़ गए वसुंधरा कदमों में जाके सारे के सारे। मैंने एक एक समाज के नेताओं को देखा, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींग हांकना। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि पार्टी बना दी, आपका मान सम्मान रख दिया देश के अंदर। एनडी की बैठक में भी मोदी के साथ बैठ गया, और ऑल पार्टी मीटिंगों में भी बैठता हूं देश के प्रधानमंत्री के साथ। अगर मेरी पार्टी नहीं होती तो मैं कैसे बैठा ऑल पार्टी मीटिंग के साथ अंदर, बताओ मुझे कैसे एनडीए में बैठता। आपके भाई ने तो हमेशा इस प्रदेश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और किसी के पिन भी चुभी राजस्थान और देश के अंदर। और मुझे अगर पुकारा तो हनुमान बेनीवाल बिना जाति देखे उस व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा खड़ा मिला, सबसे आगे खड़ा मिला। मैंने ये नहीं देखा कि इसके अंदर मेरे वोटों का नुकसान क्या हो रहा है। अब लोग कहने को कुछ भी कह दें उसका कोई इलाज नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं कोई बात पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं, और जिसके पीछे पड़ जाता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ। ये शुरू से आदत रही, इसलिए ये तो तय है कि बजरी माफिया का ऑपरेशन करूंगा मैं राजस्थान के अंदर। ये बजरी की रेटें, ये ठेका निरस्त कराऊंगा, रेटें कम कराऊंगा, इस पर मुकदमे दर्ज कराऊंगा, और जो जो खोदा है बजरी 20 मीटर 15 मीटर पेनल्टियां भी लगाऊंगा। और सरकार अगर मेरी आ गई राजस्थान में, या मैं सरकार का हिस्सेदार बन गया राजस्थान में, या सरकार मेरे बिना नहीं बनी, तो निश्चित रूप से बजरी माफिया नाम की नई चिड़िया इस राजस्थान में दोबारा पैदा नहीं होगी। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। ये जो बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, और हमें सेंट्रल हॉल के अंदर बैठते हैं एमपी मजाक करते हैं, बिहार यूपी के सांसद कहते हैं कि राजस्थान तो बहुत आगे है आजकल आपका, ये रोज क्या हो रहा है देखिए, अगर बच्चों को डिग्री दिलानी तो कितने रुपए में आ जाएगी डिग्री बताएं आप राजस्थान में। ये क्या भद्दा मजाक बन गया राजस्थान का। अरे भैया जो लड़ता है उसको चिंता होती है, मुझे चिंता आप लोगों की है। मुझे कोई कह दे कि राजस्थान में ठीक नहीं है तो मैं अपने आप अपने ऊपर ले लेता हूं। मुझे कोई कह दे हनुमान जी आपके कौम के किसी लड़के ने गलत काम किया, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। तो ये मेरी पीड़ा कि दोबारा ऐसा कोई गलत काम नहीं करे, अन्याय नहीं करे। हम वो लड़ाके जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करी, 62, 65, 71 कारगिल से छोड़ के देश का इतिहास हमारे संघर्षों से अटा पड़ा है। भूल जाए लोग, सारी बातों में हम नहीं जाएंगे, अभी समय बहुत दूर है चुनाव का। जब चुनाव आएंगे तो एक एक परतें भी खुलती चली जाएगी। हमने सबको नापा है, सबको देखा है, भोंकने वालों को भी देखा है, काटने वालों को भी देखा है, दूसरों को भी देखा है, लेकिन हमारा मकसद है कि राजस्थान में सामाजिक समरसता बनी रहे, माफिया के साथ लोग खड़े नहीं रहे। माफिया अगर मेरी जाति का है और वो बदमाश है, भू माफिया है, चाहे शराब माफिया है, तो हनुमान बेनीवाल उसके खिलाफ भी बोलता है। वो आम जनता के साथ है, वो गरीब के साथ है, वो नहीं चाहता कि कोई जवान फांसी के फंदे को चूमे, वो नहीं चाहता कि कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या करनी पड़े, वो नहीं चाहता कि अबला की हमारी बहन बेटी की इज्जत सरेआम नीलाम हो। वो चाहता है कि राजस्थान में रात को 12 बजे भी हमारी बेटियां सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, वो इस तरह विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर विचरण कर रही हो। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल चाहता है, जैसा मेरे विधायकों ने बताया। मैं चाहता हूं कि गांव का गरीब आदमी अगर सड़क, गांव का गरीब आदमी थाने तहसील में जाए उसको मान और सम्मान मिले। यहां तो हालत आप मीडिया के मेरे भाई बेटे इनकी देख लो। शिवलाइन में गहलोत साहब ने कह दिया कि कोई कैमरा लेके नहीं आएगा, नहीं जा सकते। अरे मीडिया 2 दिन छापे, तीसरे दिन ईडी आ गई दैनिक भास्कर के ऑफिस के अंदर, आई थी ना ईडी, ईडी आके चेक कर गई। आप ये बताओ
कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ अगर अपनी बात ही नहीं कह पाएगा तो फिर हिंदुस्तान के अंदर कौन सी आजादी रही। मोदी जी लोकतंत्र को खत्म मत करो। और गहलोत जी, मोदी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप एसीबी का दुरुपयोग कर रहे हो, अपने चेतों को बचा रहे हो और दूसरों को उलझा रहे हो। तो बोल रहा मुकदमा दर्ज कर रहे हो। आपके जो लोग हैं आपके ओएसडी देवाराम का नाम आया, कई लोगों का नाम आया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर उनकी पार्टनरशिप थी। आपको ऐसे लोगों को निकाल के फेंक देना चाहिए वहां से और संदेश देना चाहिए कि ये गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? अजमेर के अंदर एक आईएएस और आईपीएस जो नए बने, जो भी हुआ, जो घटनाक्रम घट गया, उस घटनाक्रम में खाली आईएएस आईपीएस ही दोषी क्यों है? क्या आईजी दोषी नहीं है? आईजी ने 3 बजे तक रात को राजीनामा करने का प्रयास किया, आईजी को बैठाना चाहिए। सबूत मिटाने वाला, तथ्य छुपाने वाला भी अपराधी होता है। पुलिस के कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उनकी बात भी करो, जांच कराओ, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। कोई व्यक्ति अगर अपनी सड़क के ऊपर वो होटल चला रहा है, वो कानून के भरोसे चला रहा है वो व्यक्ति रात को हाईवे के ऊपर, और कानून के रखवाले अगर इस तरह बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो खेत की रखवाली कौन करेगा? तो इसमें मैं ये भी मांग करूंगा गहलोत जी, आप आईजी के खिलाफ कार्रवाई करें, तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिनकी लापरवाही थी। बजरी के इस खेल के अंदर हमारी मांग रहेगी कि ड्रोन से पूरे इलाके को एक बार सर्वे किया जाए, कितने खड्डे खोदे गए, कितना स्टॉक किया गया, कितना बड़ा घपला घोटाला और कितनी पर्ची ट्रैक्टर ट्रकों को फोगट की पर्चियां दे दी चाय जैसी बना के, इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाए। बजरी की दरें जो 550-600 रुपये भीलवाड़ा के अंदर, उनको घटा के 100 रुपये बजरी की दर की जाए और बजरी माफिया और ठेका निरस्त करने की कार्रवाई, यहाँ से भीलवाड़ा का माइनिंग ऑफिस ठेका निरस्त करने की बात राज्य सरकार को लिखे और ये पूरे मामले की जांच हो कि यहाँ के कौन कौन से नेता बद्री माफिया के साथ मिले हुए, इस बात की जांच भी होनी चाहिए और जनता को जानने का अधिकार है। आप लोगों ने एक ही दिन के अंदर इस हल्ला बोल कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं नौजवानों को धन्यवाद दूंगा। अपने हल्ला बोल कार्यक्रम आगे जारी रहेंगे, 26 तक की जो तारीख आ रखी है, टोंक की एक दो दिन में राजेंद्र और बैठ के बता देंगे टोंक का करके। और धुआंधार तरीके से देखिए भाइयों, लड़ाई हमें लड़नी है, लड़ाई लड़ेंगे जब भी कुछ मिलेगा, क्योंकि देश को आजाद कराने में व्यापारी बन के आए थे अंग्रेज और 200 साल राज कर गए। अगर हमारे लोग शहादत नहीं देते, तांत्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह सरी के लोग अगर उस समय फांसी के फंदे को नहीं चूमते, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते नहीं, तो देश आजाद नहीं होता 50 साल। और इस आजादी के जो मायने हैं वो हमें जिंदा रखने हैं। असली लोकतंत्र कैसे रहे? आज आम आदमी उम्मीद करता है इन नेताओं से कि नेताजी बैठे हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो पुलिस से, वो तहसीलदार से, वो उद्योगपति से, लेकिन अपन सब मिलके अगर उसके खिलाफ हो जाए, प्रतिपक्ष मिल जाए, पक्ष मिल जाए, फिर कौन रखवाली करेगा? फिर ऊपर वाला ही रखवाली करेगा।